हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवी क्लासेस में। मेरा नाम है अमन वर्मा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 4। जैसे कि आपने प्रीवियस 3 लेक्चर देखे होंगे, तो आज हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, जो इस बार का 12th क्लास का पेपर आया था उसमें इनकम एक्सपेंडिचर का एक क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसमें सब्सक्रिप्शन के ऊपर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट था और वो पॉइंट 1 मार्क्स का था। देखिए, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं अकाउंट में और आते भी हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझना है इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, तरीके से समझना प्लीज़। देखिए, बात है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, जैसा कि मैं लेक्चर 1 में समझा चुका हूँ, क्या चीज़ है दोबारा से समझा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन, देखिए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक तरह की सोसाइटीज होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, उनका मेंबर बनने के लिए ना आपको फ़ी पे करनी होती है, तो उसी फ़ी को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। क्लियर। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बातें कनेक्ट होंगी एडजस्टमेंट से। जैसे कि लेक्चर 3 में एडजस्टमेंट समझाई गई हैं, वही सारी चीजें यहां पर आपको काम आने वाली हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं पहला कंडीशन समझा रहा हूं। पहली कंडीशन में सपोज कीजिए सब्सक्रिप्शन है, हमारा ईयर 2019 लास्ट ईयर है, 2020 करंट ईयर है, 2021 नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। 2019 का यहां पर तो लिखा हुआ है 1000, यहाँ पर लिखा हुआ है 12,000 और यहाँ पर लिखा हुआ है 500। ये डेटा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा। कहाँ पर मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। देखिए, लास्ट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात ऐसी थी कि रिसिप्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जितना पैसा मिला, यानी कि 2019 का सब्सक्रिप्शन 1, 20 का 12 और 21 का 500 हमें मिला है, वो रिसीव हुआ है, तो हमने उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की 2 साइड में लिख दिया, क्योंकि वहां पर सिर्फ पैसे का रिसीव होना देखा जाता है। नीचे एडजस्टमेंट दी गई, नीचे क्या दी गई है? एडजस्टमेंट। जैसा कि एडजस्टमेंट दी गई, इनकम है, एक्रूड वर्डिंग यूज होगी, एक्रूड। सपोज कीजिए 2019 का एक्रूड 1000, 2020 का एक्रूड 2000, ठीक है बात, और 2021 का तो अनएक्रूड माना जाएगा, 2021 की बात तो यहां पर होनी ही नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से आपको बातें बोल दी, तो आपको इसको किस तरीके से करना है। सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर के लिए बात कर रहा हूं। देखिए, यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन पर नहीं जा सकते हम, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। बहुत ही तरीके से सिंसियरली चीजों को समझिएगा प्लीज। अब सब्सक्रिप्शन है, हमारा जो करंट ईयर है वो है 2020। हम एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। क्या हो गया? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। हम बाई में लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है हमें? देखो, ये सबसे इजी होता है ये मेथड। अगर इसमें आपको डिफाइन है ना कि 19 का कितना, 20 का कितना, 21 का कितना, हमें कब का चाहिए? बताया था इनकम एक्सपेंडिचर में एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल कॉन्सेप्ट चलता है, करंट ईयर का ही देखा जाता है। करंट ईयर का कितना है? 12,000। तो करंट ईयर का 12,000 लिखा जाएगा, अंदर लिखा जाएगा, और एक्रूड कितना है इस ईयर का? 2000। इसको हमें क्या कर लेना होता है? प्लस। क्या करते हैं हम इसको? प्लस 2000, और ये चला जाएगा डायरेक्टली बाहर 14,000। कितना चला गया? 14,000। नॉर्मल सिंपल, इस बार के 2000 जो 2020 का एग्जाम हुआ है अकाउंट का, उसमें ये इसी तरह इसी टाइप का एक पॉइंट था, और इतना वर्किंग करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। पता है स्टेप मार्किंग चलती है, तो इसी हिसाब से देखिए, बहुत सिंपल चीज़ थी। अब मैं इसी में ही केसेस बढ़ाता रहूँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़ आप। अब एक बात समझिए,
अब ये डेटा आपको दिया हुआ है, ये डेटा कहाँ कहाँ पर जाना चाहिए, आपकी एक बैलेंस शीट भी बनती है, ठीक है, लायबिलिटी साइड एसेट साइड, आपको पता है एक्रूड कहाँ जाता है, कल समझाया था, एसेट साइड में जाएगा, एक्रूड कितना 2000 का। अब ये एक बात बताइए, नेक्स्ट ईयर 2021 का 500 आपको मिला है, ये क्या है, नेक्स्ट ईयर का इन एडवांस मिल रहा है अनएक्रूड, तो आप करंट ईयर की बैलेंस शीट, ये कौन से ईयर की है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा क्या, अनएक्रूड कितना 500, इस तरीके से, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें एक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी होती है कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, तो उस चीज को भी आप समझिएगा, लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एसेट साइड, ठीक है। अब लास्ट ईयर का 1000 मिला और एक्रूड भी कितना है 1000, हमें देखना है कि एक्रूड कितना था, एक्रूड है 1000, कितना लिखा जाएगा 1000, बातें क्लियर हो गई। अब सपोज कीजिए यहां पर लिख दिया गया 800, ये बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। सपोज कीजिए लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 800 आपको रिसीव हुआ, जबकि नीचे एडजस्टमेंट में बोला कि एक्रूड 1000 था, आपने अपनी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एक्रूड 1000 शो किया होगा, यानी कि हमारा लास्ट ईयर 1000 एक्रूड था, पर इस 2020 में करंट ईयर में सिर्फ आपको इसका कितना रिसीव हुआ 800, 1000 एक्रूड था, रिसीव ओनली 800 हुआ, यानी कि 200 अभी भी एक्रूड चल रहे हैं, तो वे 200 आपको कहां शो करना पड़ेगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लास्ट ईयर एक्रूड के नाम से 200, कितना 200, इतनी बातें जस्टिफाई हो गई, क्लियर है आप सभी को। अब देखिए एक बहुत ही इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्या समझिए, बोल दिया एक्रूड 2200, एक्रूड 2200, क्लियर है बात, ठीक, और आपको यह बात बता दी गई कि लास्ट ईयर का एक्रूड हमारा 1000 था, कितना था 1000, और आपको ये बोला गया कि हमारा टोटल एक्रूड 2200 है, लास्ट ईयर का एक्रूड 1000 है, और ऊपर बोला गया रिसिप्ट एंड पेमेंट में कि लास्ट ईयर का सिर्फ हमें 800 रिसीव हुआ है, जबकि रिसीव होना था 1000 में से 800 रिसीव हुआ, यानी कि 200 अभी भी क्या चल रहा है एक्रूड। जब आप एडजस्टमेंट करोगे करंट ईयर की, तो आप 12000 लिखोगे, आप गलती क्या करोगे, यहां पर आप 2200 प्लस कर दोगे, कितना प्लस कर दोगे 2200, जबकि ये मिस्टेक है, क्योंकि लास्ट ईयर के 1000 में से सिर्फ 800 रिसीव हुआ है, 200 का अभी भी क्या है एक्रूड चल रहा है, जो कि इंक्लूड है आपके इस एक्रूड में, तो यहां से उसको हटा करके 2000 लिख करके और 200 यहां पर लिख कर वर्किंग करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं एक एक चीज को बहुत सिंप्लीफाई करके चल रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ले रहा हूँ, तो ये चीज़ें इस तरीके से थी। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा इस केस में। अब मैं केसेस कर रहा हूँ चेंज, अब वो केसेस कैसे होंगे उसको बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़, ओके। नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़। अब सब्सक्रिप्शन, आपको टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है, उसी में आपको सब्सक्रिप्शन बोल दिया गया 22000। इस बार ये नहीं बताया कि लास्ट ईयर का कितना रिसीव हुआ, करंट ईयर का कितना रिसीव हुआ और नेक्स्ट ईयर का कितना रिसीव हुआ, टोटल कंबाइंड बता दिया। और एडजस्टमेंट क्या दी गई है, एडजस्टमेंट आपको दी गई है किस तरीके से समझिएगा, एक्रूड लास्ट ईयर का एक्रूड और करंट ईयर का एक्रूड, लास्ट ईयर का एक्रूड 1000, करंट ईयर एक्रूड 2000, अनएक्रूड लास्ट ईयर का अनएक्रूड बताया गया है 600 और
अनएक्रूड करंट ईयर के लिए बोला गया 800। क्लियर इतनी बात? ठीक है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शॉर्ट में बनाया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा प्लीज। ठीक है, फिर एक करंट ईयर की बैलेंस शीट आएगी, लाइबिलिटी एसेट्स। ठीक है, समझ जाइएगा, शॉर्ट में ही चल रहा है एक माम काम सारा का सारा। लास्ट ईयर बैलेंस शीट, लाइबिलिटी और एसेट्स। क्लियर? बहुत ध्यान से समझिए। ये सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया, एडजस्टमेंट नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कराई गई है। पहले डेटा फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं? पहले डेटा, लास्ट ईयर का एक्रूड 1000, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा एक्रूड के नाम से, कितना 1000, और लास्ट ईयर का एक्रूड ही कहां पर भी जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 600। क्लियर इतनी बात? अब समझिएगा बात को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा और ये कितना है 22,000। इसमें ये सब चारों आइटम इंक्लूड है। ठीक, अब एक बात बताइए, करंट ईयर का एक्रूड, करंट ईयर का एक्रूड आप क्या करते हो, प्लस कितना है 2000। ठीक है भैया, प्लस कर लिया। ठीक, अब जो लास्ट ईयर का एक्रूड है उसको क्या किया जाएगा, थोड़ा सोचिए, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। लास्ट ईयर एक्रूड, एक्रूअल कॉन्सेप्ट चलता है इनकम एक्सपेंडिचर में, आपको ये बात मालूम है। करंट ईयर का करंट ईयर में, एक बात सुनिए, जो लास्ट ईयर का एक्रूड था वो तो लास्ट ईयर की इनकम में ऐड कर लिया होगा ना, वो बात अलग है कि रिसीव अब हो रहा है, अर्न तो पहले कर लिया था, जब ही ऐड कर लिया होगा रिवेन्यू में। ठीक है, अब वो रिसीव हुआ इस ईयर में, अब जब इस ईयर में रिसीव हुआ है तो क्या उसको इस साल की इनकम मानेंगे क्या? नहीं, जब इस साल की इनकम नहीं मानेंगे तो इस साल की इनकम में उसको ऐड भी नहीं करेंगे, उसको क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे हम? माइनस। जो लास्ट ईयर की इनकम है वो लास्ट ईयर में ऐड हो चुकी है बट उसका पैसा इस साल रिसीव हुआ है तो इसलिए उसको हम क्या करेंगे, माइनस। लास्ट ईयर एक्रूड 1000 हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्लियर? अब बात आती है लास्ट ईयर अन एक्रूड के लिए। देखिए, लास्ट ईयर अन एक्रूड बताया था वो इनकम जो एडवांस में है, अभी तक अर्न नहीं की है। उन लास्ट ईयर जब ऐसी अन एक्रूड इनकम मिली तो वो उस ईयर की इनकम नहीं थी, वो तो नेक्स्ट ईयर की इनकम थी, यानी कि इस ईयर की, जिस ईयर में अब हम आ चुके हैं। लास्ट ईयर में जो अनएक्रूड था वो करंट ईयर की के लिए इनकम मानी जाएगी। जब लास्ट ईयर अनएक्रूड इनकम मिली होगी तो उन्होंने अपनी इनकम में ऐड नहीं किया होगा, उसको माइनस कर दिया होगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की इनकम थी। अब हम नेक्स्ट ईयर में आ गए हैं तो इस साल की तो इनकम हैगी ना वो, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस। यानी कि लास्ट ईयर अनएक्रूड कर लिया जाएगा प्लस 600। बताइए बात समझ में आई? तो ये इसी तरीके की बात थी। ठीक है, अब बात आती है, ये प्लस हो जाएगा लास्ट ईयर अनएक्रूड 600। अब बात आती है करंट ईयर में हमें कोई अनएक्रूड मिल रहा है यानी कि एडवांस में मिल रहा है तो इस साल की इनकम तो है नहीं, इसको हम प्लस नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे हम, इसको माइनस। करंट ईयर अनएक्रूड कितना, 800। ठीक है, तो 22 प्लस 2 24, 23 6, और ये आ जाएगा 22,800। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, 23, करेक्ट है। तो ये इस तरीके से चलता है, रट्टा नहीं मानना है, रट्टा मान लेते हैं कि करंट ईयर का एक्रूड प्लस, लास्ट ईयर का एक्रूड माइनस, करंट ईयर का एक्रूड माइनस, लास्ट ईयर का एक्रूड प्लस। तो ये चीजें नहीं, समझिए लॉजिक क्या है, मैं आपको ये बात बार बार कह रहा हूं, समझिए, रट्टा मत मारिए, एक बार समझ लिया ना लॉजिक, अकाउंट एक खेल है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, लॉजिक समझिए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी सारी चीजें। ठीक है गाइस, अब यहां पर एज इट इज सेम केस पहले वाला भी हो सकता है। अगर सपोज कीजिए बोल दिया गया कि एक्रूड लास्ट ईयर का 1000 था बट
उसमें इंक्लूड सिर्फ 800 है, तो वो सेम कंडीशन जैसा मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको समझाया। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ए वी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।